नव निर्मित टंकी से पानी का हो रहा रिसाव। सरपंच बोले 2.5 साल में बनी टंकी 15 दिन से भरना शुरू किया पानी, लेकिन रिसाव के कारण फलियों तक नहीं पहुंच पा रहा पानी। पंचायत के अलग अलग फलियों के लोग पानी के लिए कर रहे हैं जद्दोजहद। जवाबदार बोले फिलहाल सिर्फ पाइपलाइन अटैच किए थे, ये काम अभी बाकी है, इसलिए हो रहा पानी का रिसाव। ग्रामीणों के दबाव में भर दिया था टंकी में पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल और स्वच्छ पानी के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण नल जल योजना पर जमीनी स्तर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगह घटिया निर्माण का आरोप है तो कई जगह काम की रफ्तार काफी कम है, लेकिन जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वह पानसेमल तहसील की ग्राम पंचायत वांगरा की है, जहाँ पंचायत के अलग अलग फलिये के लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। वांगरा पंचायत में कहीं पानी पहुंचा तो कहीं लोग आज भी पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वांगरा पंचायत की इस पानी की टंकी से टपकता पानी इसे अन्य जगहों तक नहीं जाने दे रहा है। ग्राम के सरपंच कहते हैं कि गुणवत्ता विहीन कार्य किया गया है, साथ ही कार्य काफ़ी धीमा भी किया गया है। करीब 2 साल से 2.5 साल में बनी इस पानी की टंकी को जब भरा गया तो इसमें पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिससे कई फलियों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं पाइपलाइन बिछाने की बात करें तो यहाँ कहीं पेड़ पर पाइप टंगे नज़र आ रहे हैं तो कहीं कचरे में पड़े हैं। हमारे ग्रामीण जनों की सभी की ये शिकायत है कि एक तो पहली बात पानी की बहुत समस्या है गांव में, और ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी की टंकी बनी है वो पूरी लीकेज हो रही है, और भ्रष्टाचार के बल पूरा चढ़ गया ये काम। कब से काम चल रहा है ये? लगभग 2.5 से 3 साल हो गए इसे। कोई अधिकारी आता है या विजिटिंग पे? अधिकारी तो हमारी उपस्थिति में तो अभी तक नहीं आए, लेकिन कभी आते हो तो क्या पता। जैसा कि जल जीवन मिशन अंतर्गत यहाँ से 2 से 2.5 सालों से काम चल रहा है, अभी टंकी तो बन गई है यहाँ पे, यहाँ पे करीबन 15 दिनों से पानी भरा है, लेकिन टंकी आधी भरी हुई है, वहाँ पे पानी काफ़ी लीकेज हो रहा है, ये भविष्य में किसी प्रकार की घटना भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत से फलियों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जैसे चौहान फलिया में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, और पटेल फलिया में नहीं पहुँच पा रहा है, मोरे फलिया में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, काफ़ी पानी की समस्या है इस भीषण गर्मी में। वहीं इस पूरे मामले में परियोजना के उपयंत्री देवेंद्र चौहान का कहना है कि ग्राम में पानी की टंकी का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। टंकी बनने के बाद उसमें पाइपलाइन का कनेक्शन किया जाता है, जिसके लिए टंकी में होल किया गया था। वाटरमैन को कहा गया था कि अभी ताज़ा कनेक्शन किया है, टंकी को सेट होने देना, पानी मत भरना, परंतु वाटरमैन द्वारा ग्रामीणों के दबाव में आकर टंकी भर दी गई, जिससे लीकेज हो गया। टंकी खाली करवा कर उसे फिर से रिपेयर किया जाएगा। ग्राम पंचायत में हमारी योजना भी प्रगति रहते हैं, वहाँ पर अभी हम डायरेक्ट सप्लाई से लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे टेस्टिंग के थ्रू, तो अभी टंकी का काम चल रहा था जिसमें पाइप कनेक्ट किए गए उसके का, उसमें अभी वहाँ के वाटर मैन को बोला गया था कि अभी इसमें टंकी में पानी नहीं भरना है, परंतु उसने ग्रामीणों के दबाव में कल पानी भर दिया, जो कि अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसके कारण हल्का सा रिसाव उसमें हुआ, और उसको अभी हम लोग खाली करवा के कम्प्लीट कर देंगे। सर, ग्रामीण बता रहे हैं कि कहा जाता है कि टंकी गिरने का भी डर है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, अभी कल ही उसमें पानी उन लोगों ने भरा, जबकि अभी उसका काम ही चल रहा है, परंतु ये वाटरमैन की गलती के कारण इसने भर दिया, इसमें मना कर रखा था। सर, आपका कहना है कि वाटरमैन की गलती से ये हुआ है, पर लाखों की लागत से जो टंकियां बनाई जा रही है कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन है, जो कि एक टेस्टिंग में ही रिसाव होने लग गया। नहीं, जो पाइप प्रोजेक्ट करते हैं उसके लिए क्या है कि नीचे छेद करके पाइप लगाया जाता है उसमें, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे उसको जब तक कम्प्लीट नहीं होगा तब तक तो हल्का सा ही रहेगा, वो पूरा कम्प्लीट होने के बाद ही उसका रिसाव उठेगा ना।